हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू tradingfab.in। एक और लर्निंग वीडियो आपके लिए जिसमें हम शेयर मार्केट में काम करके कैसे कई गुना रिटर्न पा सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शेयर मार्केट में दो तरीके से काम होते हैं, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट इस मार्केट का है राइट लेग और ट्रेडिंग है इस मार्केट का लेफ्ट लेग। तो इन दोनों तरीके से हम अगर काम करते हैं अच्छे तरीके से तो हमें कई गुना रिटर्न इस मार्केट से हमें मिल सकते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त सही स्टॉक को कैसे चुनें, उस स्टॉक में सही टाइमिंग क्या है एंटर होने के लिए, आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक कब ऐड होना चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ एनालिसिस करना होगा ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए, हमें या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा या फिर टेक्निकल एनालिसिस। आपने देखा होगा कई सारे स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस है, L&T है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट्स है, TCS है, इन्फोसिस है, इन्होंने कई गुना रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे शेयर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सही टाइमिंग के ऊपर इन स्टॉक के अंदर एंटर हो, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, उसके लिए कंपनी रिसर्च, कंपनी एनालिसिस करना होता है। एक सिंपल तरीका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही स्टॉक चुनने का, वो है चार्ट एनालिसिस, यानी टेक्निकल एनालिसिस हम इसे कहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चार्ट, प्राइस चार्ट में ऐड करने पड़ेंगे। उसके लिए सही टाइमिंग एंट्री करने का उस स्टॉक में क्या है वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये सब कुछ कैसे करें ये हम इस वीडियो में देखेंगे। बाद में कई सारे स्टॉक्स है, उसमें से क्विकली शॉर्ट लिस्ट कैसे करें, इसके लिए स्कैनर को कैसे यूज करना है, वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग टर्मिनल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस स्टॉक का प्राइस चार्ट आप अच्छे से रीड कर सके, एनालिसिस कर सके। तो उसके लिए हमारे पास अभी इस वक्त ज़ेरोधा का ट्रेडिंग टर्मिनल है। नॉर्मली हर किसी के पास ये अकाउंट ओपन है ज़ेरोधा का, या फिर और भी कई सारे ब्रोकर्स का अकाउंट है, तो वहाँ पर आपको ये चार्ट मिल सकता है। तो इस समय हमने यहाँ पर एक चार्ट ओपन करके रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं नए, और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैब के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रेडिंग फैब की जो टीम है वो दिन भर FNO स्टॉक्स को लाइव मार्केट में मॉनिटर करती है, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारे मेंबर्स के साथ टेलीग्राम ऐप के ऊपर शेयर करते हैं। तो अगर आपको इसे लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके मोबाइल के ऊपर टेलीग्राम ऐप को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद हमारा जो ये वीडियो होता है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो वहाँ पर हमने ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है उसके लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आपको सिर्फ क्लिक करने हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट है, कैश मार्केट है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक ऑप्शन है, स्टॉक फ्यूचर है। तो इनमें जो लाइव मार्केट में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती है इंट्राडे के लिए, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जो हमारे प्रीमियम मेंबरशिप प्लान्स है उसके लिए अगर आपको जानना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक ऑफर है, ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, या फिर पाए पैसा है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप फ्री में मिल सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट आपको ओपन करना है तो सिंपली इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ के इंस्ट्रक्शंस आपको सिर्फ फॉलो करने हैं, आपका मोबाइल नंबर डालना है, OTP आपको डालना है, तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक बार आपको क्लाइंट आईडी मिल जाता है तो आपको सिर्फ हमारे नंबर पे ऊपर कॉल करके वो कन्फर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। और एक चीज़ है, ये अपस्टॉक्स और फाइव पैसा का अकाउंट ओपनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट ओपनिंग है। तो ये था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में क्विकली इंट्रो, तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं दो चार्ट है, लेकिन स्टॉक जो है वो सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेफ्ट साइड का ये जो चार्ट है ये
अलग टाइम फ्रेम का है और राइट साइड का है वो अलग टाइम फ्रेम का है। लेफ्ट साइड का आप देख रहे हैं वन डे चार्ट है, डेली चार्ट, और राइट साइड का है वन मंथ यानी मंथली चार्ट है। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हमने ऐड किए हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 पीरियड का, 50 पीरियड का और 100 पीरियड का। डेली चार्ट में भी सेम पैरामीटर्स हमने ऐड किया है। ऐड कैसे करना है, यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाकर आपको ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। सेटिंग्स में जाकर इसके सेटिंग्स बदलने, 20, 50, 100 करने, ऐसे अलग अलग तीन मूविंग एवरेजेस आपको यहाँ पर प्लॉट करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूँ ताकि जो फ्रेशर्स है उन वो भी अच्छे से समझ में पाए। तो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट यानी ये हर एक कैंडल जो है ये हमें एक दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज वैल्यू प्रेजेंट करता है। और यहाँ मंथली चार्ट में ये हमें एक महीने का ओपन वैल्यू, लो वैल्यू, हाई और क्लोज वैल्यू ये हमें प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने दो चार्ट यहाँ पर ओपन करते हैं और इसमें हमने तीन मूविंग एवरेजेस को प्लॉट किया है, 20, 50 और 100। ये मूविंग एवरेजेस जो है वो हमारा ट्रेंड लाइन का काम करते हैं। ये 20 का है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, 50 का है वो मिड टर्म ट्रेंड लाइन है और 100 का जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। तो कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो ये इन तीनों ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, तो ही इसे अप ट्रेंड में ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है ऐसा कहा जाता है। तो ये सिंपल है काफ़ी, अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आपको ये सिर्फ तीन मूविंग एवरेजेस यहाँ पर प्लॉट करने और देखना है कि स्टॉक इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है या नहीं। तो अभी इस वक्त क्वेश्चन है कि हमें इस स्टॉक में एंटर कभी होना है लॉन्ग टर्म के लिए, और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही स्टॉक है। तो रिलायंस का हमने यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, रिलायंस के स्टॉक के प्राइस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब ये दो चार्ट पैटर्न्स अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स है, एक डेली चार्ट है और एक मंथली चार्ट है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट में नीचे देखिए ये ब्लैक कलर में यहाँ पर डेट हाईलाइट हो रहा है। तो ये 2017 से लेके 2019 तक ये चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं मंथली चार्ट में, और लेफ्ट साइड में ये भी 2017 से लेके 2019 तक यहाँ पर हम ये चार्ट देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डेली चार्ट में ये कई बार ऊपर अप डाउन्स कई बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी ये 20, 50 और 100 मूविंग एवरेजेस को कट करके इसके नीचे भी आ चुका है, फिर से ऊपर गया है, यानी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं अप एंड डाउन्स काफ़ी है, कई बार इसने 20 EMA को ब्रेक किया है, 100 EMA को ब्रेक किया है और नीचे आके फिर ऊपर गया। लेकिन अगर हम राइट साइड में देखें मंथली चार्ट में तो यहाँ पर एकदम क्लियर पिक्चर है, ये 2017 से लेके 2019 अब तक ये 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और स्ट्रक्चर 20, 50, 100 ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके ऊपर ये कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है। एक बार भी इसने मंथली चार्ट में 20 EMA के नीचे आके क्लोज नहीं हुआ है, जबकि डेली चार्ट में देखे तो ये कई बार 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA को कई बार इसने ब्रेक करके इसके नीचे आके फिर से ऊपर गया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें स्टॉक का मंथली चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। मंथली चार्ट में हमें वो पिक्चर एकदम क्लियरली साफ दिखाई देता है ताकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है कम से कम एक साल के लिए या फिर पाँच साल के लिए, तो मंथली चार्ट हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करना है। तो ये बात क्लियर हो गया, हमें क्या पैरामीटर्स यहाँ पर देखने हैं, 20, 50, 100 ये असेंडिंग ऑर्डर्स में होना चाहिए और इसके ऊपर स्टॉक का प्राइस यहाँ पर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पैरामीटर्स क्लियर हो गए, अभी इसे मैं जूम कर देता हूँ मंथली चार्ट को। तो मंथली चार्ट आप देख सकते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, यहाँ से शुरू हो रहा है 2003 से लेके अब तक 2019 तक। तो कई बार ये स्टॉक तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया था मंथली चार्ट में और फिर नीचे भी आ गया था, तो यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी। 2005 में अगर आप याद रखें, 2005 में ये स्टॉक 125 के पास था। ये चार्ट अभी कई बार रिलायंस का जो स्टॉक है स्प्लिट हुआ है, बोनस मिला है, तो ये एडजस्ट होके ये स्टॉक का जो चार्ट है ये हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो अभी 2005 में देखें तो ये 128 था और उसके बाद 2008 तक इसका प्राइस हो गया 719, यानी ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ गया।
तो यहाँ पर 2008 का जब भी मंदी आई थी, ओवरऑल ग्लोबल मंदी, तभी ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट हुआ था। फिर कुछ सालों तक ये कंसोलिडेट था, फिर ही इसने एक बार फिर से 20 EMA को ब्रेक किया ऊपर की तरफ। और जो लास्ट पास के जो स्विंग हाइस बने थे ये यहाँ पर, ये इसने पूरी तरह से ब्रेक किया और इसका ब्रेकआउट मिला। तो नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते वक्त देखना है कि ये 20 EMA के ऊपर क्लोज होने के बाद इसको प्रीवियस स्विंग हाई जो बनाए इसने, स्विंग हाई उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है और तीनों मूविंग एवरेजेस को ट्रेड करता है, तभी वो एग्जैक्ट टाइम होता है कि उस स्टॉक के अंदर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर होना है। तो ये स्टॉक एनालिसिस करते वक्त हमें हायर हाई हायर लो का ये जो अप ट्रेंड का पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, तो आपका ये कंसेप्ट हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो का ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद जब फर्स्ट टाइम इसके ऊपर ये क्लोज होता है, तभी हमें इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए। तो ये राइट टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर होना। तो ये हमने पैरामीटर्स देखे, 20, 50, 100 और उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होना चाहिए। और जब भी वो उसके ऊपर ट्रेड करता है तो प्रीवियस स्विंग हाई जो यहाँ पर बनाया होता है, अगर आपको कैंडलस्टिक में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइन चार्ट में देख सकते हैं, ये जो स्विंग हाइज इसने बनाए हैं, ये देखिए ये स्विंग हाइज, ये ब्रेक अगर करता है तभी हम इस स्टॉक के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एंटर होते तो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1554, यानी 2 गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट प्राइस 2 साल में डबल हो गया है रिलायंस का। उसी तरह और कोई स्टॉक है उसका चार्ट देख लेते हैं, टीसीएस है, यह है टीसीएस का चार्ट, ये देखिए जबरदस्त यहाँ पर एंट्री हुआ है 20, 50, 100, उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, स्विंग हाई को ब्रेक किया है, तभी यहाँ पर एंटर होते थे 2012 में, और अभी देखें प्राइस तो इसका 2200 के आसपास ये प्राइस चल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से देखें तो इसमें भी करीब करीब 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिले, 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स। और इसमें एक एग्जिट कभी करना है, ये काफ़ी क्रूशल पॉइंट है। आपने एंटर तो कर लिया लेकिन एग्जिट कभी करना है, इसके लिए आप 20 EMA को फॉलो कर सकते हैं। जब ये फर्स्ट टाइम 20 EMA को ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तब आप इस स्टॉक में एग्जिट हो सकते हैं। फिर जब ये फिर से 20 EMA को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है और जो लास्ट पास्ट में इसने स्विंग हाई बनाया था, ये जो यहाँ पर इसने स्विंग हाई बनाया था, इसको जब ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर ये क्लोज होता है, तभी आपको इसके अंदर एंटर होना है। तो आपको जबरदस्त यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए एक जबरदस्त रैली आपको मिल सकती है। तो मंथली चार्ट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करना है, उसके बाद ये पैरामीटर्स आपको चार्ट में प्लॉट करना है 20, 50, 100, और जब भी ये फर्स्ट टाइम 20 EMA के ऊपर निकलता है और प्रीवियस लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करता है, तभी इस स्टॉक में आपको एंटर होना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और भी स्टॉक देख लेते हैं एक दो, बजाज फाइनेंस, ये देखिए क्या जबरदस्त इसने अपसाइड रैली, अप ट्रेंड यहाँ से हमें दिखाया। अगर हम 2014 के आसपास इस स्टॉक में एंटर होते थे तभी प्राइस चल रहा था अराउंड 250 के आसपास, अभी इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 3900 के पास। तो कम से कम यहाँ पर 12 गुना इसने रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स है, एशियन पेंट है, हिंदुस्तान लीवर है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सिंपली उस स्टॉक का चार्ट ओपन करना है, मंथली चार्ट, ये तीनों मूविंग एवरेजेस प्लॉट करने हैं और फिर यहाँ पर देखना है अगर इसने लेटेस्ट स्विंग हाई को ब्रेक किया है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। येस बैंक का एक स्टॉक है जो काफी इस समय पॉपुलर है, कहाँ के ऊंचाई से ये अभी नीचे की तरफ आ गया है, तो एकदम चिप प्राइस पे ये मिल रहा है, तो सारे टूट पड़े हैं इसके ऊपर। क्या अभी येस बैंक बाय करके रखना चाहिए, फिर से ऊपर जाएगा, और जो ऊपर में बेचना भूल गए और जो अभी लॉस में चल रहे हैं वो इसको एवरेज कर रहे हैं ताकि ये फिर से जब ऊपर हो जाएगा तो अच्छा खासा इनको मुनाफा मिल सके। तो आप सिंपली इस
यस बैंक का चार्ट ओपन करके देख सकते हैं कि आपको इस स्टॉक में अभी एंटर होना चाहिए या नहीं। तो एग्जिट कभी करना है ये भी हमें चार्ट पैटर्न ही दिखाता है। तो यह यस बैंक का चार्ट, जबरदस्त अपसाइड रैली इसमें देखने को मिली थी, और ये अगस्त 2018 में जब इसमें फॉल आया, तो जब भी इसने 20 EMA यहाँ पर ब्रेक किया था, तो यहाँ पर इसको हमें एग्जिट करना था। अगर आप ये टेक्निकल एनालिसिस अगर जानते थे तो आपको एग्जिट टाइम का पता चल जाता था। और अभी देखिए, जो जो क्लाइंट्स जो जो हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं येस बैंक में एंटर होना है या नहीं होना है, अभी ले ले, तो आप ही खुद यहाँ पर चार्ट देख के ये एनालिसिस कर सकते हैं कि येस बैंक में इस वक्त हमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए वो अभी इस समय यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हमें चाहिए 20, 50, 100, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है और उसके ऊपर प्राइस यहाँ पर ट्रेड करना जरूरी है, तो ही हम मान सकते हैं ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स दे देगा। अभी आप देख सकते हैं तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ये ट्रेड हो रहा है, तो इसमें कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना अभी टेक्निकली देखे तो यहाँ पर कोई एंटर होने का कोई भी क्लू हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अभी सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जो एवरेज कर रहे हैं वो बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि गलती हो सकती है एवरेज करना इस समय, जब तक ये फिर से ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं आता 20, 50, 100 असेंडिंग ऑर्डर्स और उसके ऊपर ये स्टॉक जब तक ट्रेड ना करे तब तक यहाँ पर एंटर होना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये येस बैंक का अभी तक का सीनारियो, ये केस स्टडी है हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी ये ज़बरदस्त यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अभी इस वक्त अगर आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं तो कैसे करें, क्योंकि NSE में बहुत से कंपनीज है, BSE में बहुत से कंपनीज है, तो क्विकली आप ऐसे कैसे इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए स्कैनर को यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्री स्कैनर आपके पास अवेलेबल है, सिंपली आपको chartlink.com के ऊपर जाना है, यहाँ पर फ्री स्कैनर्स अवेलेबल है, स्क्रीनर्स के ऊपर क्लिक करना है, बाद में क्रिएट यूर ओन स्क्रीनर पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पैरामीटर्स देखे हैं वो हमें प्लॉट करने हैं एज ए कंडीशन, तो हम वो पर्टिकुलर स्टॉक क्विकली शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन में ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जाना है और फर्स्ट यहाँ पर आपको EMA सिलेक्ट करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेटेस्ट की जगह आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होगा मंथली, तो मंथली टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर दिया। बाद में ऑपरेशन आपको सिलेक्ट करना है 20 EMA ग्रेटर देन, यहाँ पर फिर से EMA सिलेक्ट करना होगा, हमारा कंडीशन है 20 EMA 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर EMA सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर 50 का मैंने EMA सिलेक्ट किया और टाइम पीरियड भी है वो मैंने मंथली सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से कंडीशंस आपको ऐड करने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए, 20-50 के ऊपर होना चाहिए, 50-100 के ऊपर होना चाहिए और 20-100 EMA के ऊपर होना चाहिए, और इसके ऊपर होना चाहिए प्राइस, जो कि मैंने यहाँ पर कंडीशन डाल दिया है मंथली क्लोज प्रीवियस मंथ, यहाँ पर मैंने प्रीवियस मंथ को सिलेक्ट किया है 1 month ago, और प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो ऐसा सब मैंने कंडीशन यहाँ पर प्लॉट कर दिया, और जैसे मैं रन स्कैन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर नीचे मुझे कुछ स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हुए दिखाई देते हैं, तो इनमें से कोई एक मैं करके ओपन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट है FDC लिमिटेड, तो यहाँ पर ZERODHA के चार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे FDC करके मैंने डाल दिया, तो FDC का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रीवियस मंथ का हाई के ऊपर अभी एक क्लोज चल रहा है, अभी दिसंबर मंथ चालू है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये दिसंबर मंथ में प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज होता है और प्रीवियस लेटेस्ट जो स्विंग हाई बनाया है इसके ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो हम इस स्टॉक में यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ पर बनना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। ये आपके लिए सिर्फ स्टडी के लिए है, आप एक्चुअल मार्केट में काम करने से पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग के ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है फिर थोड़ी अमाउंट के साथ थोड़ी क्वांटिटी के साथ एक्चुअल मार्केट में आप ट्रेड करें, फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है आप प्रॉफिट में आते हैं तो आपकी धीरे धीरे क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं।
आप एसआईपी कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक चुनकर आप मंथली उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी थ्रू, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है एट ए टाइम डालने के लिए। एट ए टाइम डालना भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर एक स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक में ऐसे पैरामीटर्स और ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है उन स्टॉक के अंदर हम ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पर स्टॉक्स हैं, एक एक करते यहाँ पर दिखाते जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो का टाइम भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट काफ़ी अहम है, एंट्री पॉइंट कब है ये मैंने आपको बता दिया, लास्ट जो स्विंग हाई उसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो ही एंट्री यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट थ्रू कई गुना रिटर्न से स्टॉक मार्केट से आप पा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।